सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। एक बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया, व्हेन देन रोल्स ऑन अ लेवल, वो एक लेवल पर रोल करती हुई जाती है, और आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूरी जाने के बाद द बॉल कम्स टू द रेस्ट, और बॉल रुक जाती है। आपने भी देखा होगा जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो कुछ समय बाद बॉल लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूरी पर जाकर के खुद भी रुक जाती है। कई बार वो बाउंड्री बाहर ना जाकर के बाउंड्री से पहले रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं थी, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जब वो मोशन करते हुए जा रही थी, जो सरफेस का फ्रिक्शन था, उस फ्रिक्शन फोर्स ने उसको रोक लिया। तो द बॉल सोज टू स्टॉप बिकॉज, तो किस कारण से बॉल रुक जाती है? फोर ऑप्शंस दिए हैं, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको चार में से एक सही बताना है। पहले आप समझ लीजिए ऑप्शंस क्या हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने बॉल को बहुत ज़्यादा जोर से हिट नहीं किया था, इसलिए बॉल रुक गई, मे बी से, बट अभी आगे के ऑप्शन भी हैं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है उस पे लगाए गए फोर्स के, यानी जितना आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज बॉल जाएगी। तो देखते हैं इसका लॉजिक। देयर इज अ फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन, क्या यहाँ कोई फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है? बिल्कुल, एक फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वॉन्ट टू कम टू द रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसलिए बॉल क्या चाहेगी? रेस्ट में आना चाहेगी। तो ये चार ऑप्शन थे, अब चारों ऑप्शन आपने समझ लिए, तो आप सोचिए कौन सा ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ एक फोर्स है जो अपोज कर रहा है मोशन को। मैंने पहले ही बताया था, बॉल की डायरेक्शन में बॉल फोर्स लगा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि बॉल जो है रोल करते हुए जा रही है सरफेस पे। तो जब एक सरफेस पे बॉल रोल कर रही है, तो सरफेस के कॉन्टेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो क्लियर हो गया? तो जब बॉल मूव करेगी ग्राउंड पे, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अपोज करेगा मूवमेंट को, जिसकी वजह से कुछ देर बाद बॉल रेस्ट में आ जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वेरी शॉर्ट आंसर, आपको एक लाइन भी अगर आप ये लिखते हैं तो इट विल बी इनफ। क्लियर।